पवन सिंह को अभी राजनीति ज्ञान ही नहीं है। राजनीति क्या है उनको पता नहीं है। फोटो खिंचा लेना, सेल्फी ले लेना, गाना गा देना, कलाकार को लाकर स्टेज पर खड़ा कर देना, ये राजनीति नहीं ना है। इससे वोट नहीं ना मिलता है। एक से एक बिहार में हीरो आए गए, इससे कोई वैल्यू है? अपना सीट तो इन्हें मिला नहीं, और इनकी वजह से जो चार सीटें थी, जो आसपास की चार सीटें या पाँच सीटें कहें पूरा शाहबाद, इन्होंने वो हरवाने का काम किया एनडीए गठबंधन को। लोकसभा 2024 का चुनाव बीत चुका है, कई दिग्गज प्रत्याशी जो हैं वो हार गए हैं और कई प्रत्याशी जीत भी चुके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हार में भी चर्चा का विषय बना है वो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र और वहाँ से लड़ने वाले प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म के सुपर अभिनेता पवन सिंह। पवन सिंह 275,000 वोट ला करके भी हार गए हैं और दूसरे नंबर पर वो रह गए हैं। इन सबके बीच में जो बातें निकल करके आ रही हैं वो पवन सिंह को लेकर के बातें काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्यों हारे, कैसे हारे, कौन वोट दिया, कौन नहीं दिया। तो आरा के लोगों से हम बात करते हैं और यहाँ के लोगों से जानते हैं इस हार की वजह क्या है, लोग क्या कहते हैं, क्या क्या वजह बताते हैं। हार का वजह आपके नज़र में क्या रहा? एक तो निर्दलीय उम्मीदवार थे, सबसे बड़ा कारण ये है, कोई पार्टी के से टिकट नहीं मिला। अगर टिकट मिलता तो शायद जीत जाते, बीजेपी से कोशिश तो कर रहे थे लेकिन मिला नहीं। मिला उनको आसनसोल से तो वहाँ तो वो मना कर दिए। और रही बात हार और कारण से, तो जितना भीड़ था वो वोट में तब्दील नहीं हो पाया। और जो सुबह में एक वायरल चल गया कि उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह, इसके वजह से भी उनको वोट का असर पड़ा, नुकसान हुआ। पवन सिंह का राजनीतिक जो समीकरण है अच्छा नहीं था। जो महागठबंधन का वोट है, महागठबंधन के प्रत्याशी को मिला, उनके वोट में सेंधमारी नहीं कर पाए। एनडीए के वोट में सेंधमारी कर दिए, से राजपूत वोटर इनको कुछ दिया, कुशवाहा टूट गए लोग, राजा राम जी को दे दिए। तो पवन सिंह का समीक्षा भी अच्छा नहीं था। पवन सिंह का जितना भीड़ जुटता था बस वो सेल्फी वाला भीड़ था, वोट वाला भीड़ नहीं था। पवन सिंह को अभी राजनीतिक ज्ञान ही नहीं है। राजनीति क्या है उनको पता नहीं है। फोटो खिंचा लेना, सेल्फी ले लेना, गाना गा देना, कलाकार को लाकर स्टेज पर खड़ा कर देना, ये राजनीति नहीं ना है। इससे वोट नहीं ना मिलता है। एक से एक बिहार में हीरो आए गए, किसी का कोई वैल्यू है? वोटर जो है वो पार्टी देख कर वोट देगा। आप निर्दलीय हैं, इससे पहले आप कुछ किए होंगे अच्छा काम, तब ना कोई आपको वोट देगा। और समाज के लिए किए होंगे तब ना देगा। कुछ काम किए ही नहीं है, डायरेक्ट इलेक्शन लड़ गए, तब जीत नहीं ना जाएगा जी। इनके वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इनके वजह से बीजेपी पूरा शाहबाद सीट खो दी है। यहाँ का जो हम लोग का कैडर वोटर कुशवाहा समाज के थे वो पलट गए। आरा का आपका स्थिति बता रहे हैं, आरा में सारा कुशवाहा समाज, पासवान समाज, बनिया समाज, सब सुदामा प्रसाद जी को वोट दे दिया। देखिए, हार की मुख्य वजह ये रही कि जहाँ वो खड़े हुए काराकाट लोकसभा, वहाँ दो दो प्रत्याशी और दोनों कुशवाहा समाज से ये चले थे काराकाट में सेंधमारी करने के लिए, एनडीए के वोट काटते ही। और उन्होंने यही काम किया, 274,000 इनको वोट मिला, ये पूरी तरह से एनडीए का ही वोट था, क्योंकि माले के और राजद के जो कोर वोटर होते हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो अपने पार्टी, वो अपने गठबंधन के साथ ही हमेशा रहेंगे। जब भी होता है तो एनडीए के गठबंधन जो वोटर्स होते हैं उन्हीं में बिखराव होता है, या फिर थोड़ी बहुत अगर आप बिखराव वोटर्स का करेंगे तो वो जाति के आधार पर होता है। और इन्होंने अब अपना सीट तो इन्हें मिला नहीं, और इनकी वजह से जो चार सीटें थी, जो आसपास की चार सीटें या पांच सीटें कहें पूरा शाहबाद, इन्होंने वो हरवाने का काम किया एनडीए गठबंधन को। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुशवाहा दोनों, जब कुशवाहा जाति से लोग वहाँ खड़े थे तो वहाँ राजपूत जाति से आते हैं वहाँ खड़े हुए, तो जहाँ जहाँ राजपूत वर्ग के या राजपूत जाति से उम्मीदवार खड़े हुए वहाँ कुशवाहा जाति ने विरोध किया। आरा में भी हार का भी सामना करना पड़ा, वो भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को, आर के सिंह को। और यहाँ पर तो बनिया समाज से जो प्रत्याशी थे सुदामा जी, उनको बनिया समाज का भी वोट मिला, और कुशवाहा तो गुस्सा थे तो कुशवाहा समाज ने भी बढ़ चढ़ कर उनके खिलाफ वोट किया। तो पवन सिंह खुद तो जीते नहीं लेकिन चार लोगों की नैया जरूर डुबा दिए हैं। जो उनके विपक्ष प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के नेता और एनडीए के नेता, उन पर भारी पड़ रहे थे। भारी तो उनके जो समर्थक थे, जो युवा थे उनके साथ थे, जो बुजुर्ग थे उनके साथ नहीं, उनके वोट में, उनकी जो भीड़ थी वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई। और रही बात पवन सिंह की बात रही, तो वो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे, अपना अच्छा वोट भी लाए हैं।
तो इस तरीके से आरा के लोगों के द्वारा कई वजहें बताई गई हैं, जैसे कि पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके पास सिंबल नहीं था, ये एक बड़ी वजह हार की बताई जा रही है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर जो दोनों प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के और एनडीए गठबंधन के, वो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो कुशवाहा समाज का वोट भी बट गया और इनको नहीं मिला। तीसरी जो बातें आई हैं वो ये बात निकल करके आई है कि जो महागठबंधन का वोट बैंक था उसमें वो सेंधमारी नहीं कर पाए और एनडीए के वोट को काट करके एनडीए के प्रत्याशी को हरा दिए। अगर महागठबंधन के वोट में वो सेंध लगा देते तो शायद वो जीत जाते, लेकिन महागठबंधन का वोट बटा नहीं बल्कि वो राजा राम कुशवाहा के साथ गया, जो कि वहाँ से काराकाट लोकसभा से विजेता बने हैं। चौथी बात ये भी बातें निकल करके आ रही है कि एक पवन सिंह एक लोकसभा सीट से लड़े लेकिन हराने के लिए वो 5 सवा सीट पर भारी पड़ गए। आरा के जो शाहबाद जिसको कहा जाता है, जिसमें रोहतास, बक्सर, आरा और काराकाट लोकसभा क्षेत्र आता है, ये चारों सीट में एनडीए चितखाने हो गई है। इसके अलावा जो औरंगाबाद का क्षेत्र है, औरंगाबाद लोकसभा भी एनडीए हार गई है, और इसकी एक बड़ी वजह पवन सिंह की वजह बताई जा रही है, क्योंकि पवन सिंह की वजह से इन 5ों लोकसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण जो है वो बिगड़ गया। जिस तरीके से एनडीए जातीय समीकरण को साधने के प्रयास कर रही थी, उसको पवन सिंह ने अकेले ही चूर कर दिया और 5 लोकसभा को क्षेत्र को एनडीए से हराने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेकर के नाराजगी भी आरा के लोगों में है कि खुद तो हारे ही और 5 लोकसभा को भी एनडीए से हरवा दिए हैं।